दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस बहादुर इंसान की हिस्ट्री बताने वाले हैं उसके बारे में अगर ये कहा जाए कि वो इस्लामिक इतिहास का सबसे बहादुर योद्धा था तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि ये इंसान कितना ज़्यादा बहादुर था इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि बहादुरी की वजह से ही उस इंसान का नाम शेर खुदा रख दिया गया था, जिसका मतलब होता है खुदा का शेर। उस इंसान ने मुसलमानों की तरफ से लगभग हर जंग में अकेले ही वो किरदार अदा किया था कि जो कई लोग मिलकर भी अदा नहीं कर सकते थे। जिस जंग में भी दूसरी फौज को ये खबर हो जाया करती थी कि मुसलमानों की फौज में ये बहादुर योद्धा मौजूद है तो दूसरी फौज के लोगों के पसीने छूटने लगते थे। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम के चौथे खलीफा यानी हजरत अली शेर खुदा के बारे में, जो न सिर्फ एक बहादुर और अकलमंद सिपासालार थे बल्कि साथ ही साथ सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान भी थे। यही वजह थी कि पैगंबर इस्लाम के ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से चले जाने के बाद जब लोगों को कोई भी सवाल पूछना होता था तो हजरत अली शेर खुदा के पास ही आया करते थे। दोस्तों हजरत अली की पैदाइश 599 ईस्वी में अरब के शहर मक्का में हुई थी। उनके वालिद यानी फादर का नाम अबू तालिब और उनकी वालिदा यानी माँ का नाम फातिमा बिनते असद था। ये रिश्ते में पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के न सिर्फ चचाजाद भाई यानी चचा के लड़के थे बल्कि बाद में पैगंबर इस्लाम के दामाद भी बन गए थे, क्योंकि आगे चलकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी यानी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा का निकाह हजरत अली के साथ करवा दिया था। दोस्तों करबला में शहीद होने वाले मशहूर सहाबी हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु भी हजरत अली के ही बेटे थे, और यही वजह थी कि वह प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे भी थे। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पैगंबर इस्लाम ने अपनी एक बेटी की शादी हजरत अली से कर दी थी। जिस वक्त हजरत अली का जन्म हुआ था उस वक्त पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ और सिर्फ 30 साल थी, यानी ये पैगंबर इस्लाम से 30 साल छोटे थे। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि हजरत अली की गिनती हिस्ट्री में उन लोगों के साथ की जाती है कि जिन्होंने इस्लाम धर्म को सबसे पहले अपनाया था। इस्लाम धर्म अपनाते वक्त हजरत अली की उम्र सिर्फ और सिर्फ 10 साल थी। हजरत अली ने बचपन में ही अच्छी तरह से पढ़ना लिखना सीख लिया था, जो उस दौर में हद से ज़्यादा बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि कोई भी इंसान इतनी कम उम्र में पढ़ना लिखना नहीं सीख पाता था। साथ ही साथ हजरत अली ने उसी दौर में ही घुड़सवारी, तीरअंदाजी और तलवारबाजी जैसी चीज़ें भी सीख ली थी, जो आगे चलकर न सिर्फ उनकी पहचान बन गई थी बल्कि उनको दूसरों से अलग भी बना देती थी। 53 साल की उम्र में जब पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शहर छोड़कर मदीना जाने का फैसला किया तो इस फैसले की वजह से दूसरे मुसलमानों ने भी मक्का शहर छोड़कर मदीना की तरफ जाना शुरू कर दिया। मदीने में आबाद होने के सिर्फ और सिर्फ 2 साल बाद ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे प्यारी बेटी यानी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हजरत अली से करवा दिया। जिस वक्त हजरत अली का निकाह पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से हुआ था उस वक्त हजरत अली के पास सिर्फ और सिर्फ एक घोड़ा और एक ज़ीरा मौजूद थी। हजरत अली ने अपना वो ज़ीरा हजरत उस्मान के हाथों बेच दी, जिनकी गिनती उस दौर में सबसे अमीर मुसलमानों में की जाती थी। हजरत उस्मान गनी ने हजरत अली से वो ज़ीरा 480 दिरहम में खरीदी थी, और ज़ीरा खरीदने के बाद उस ज़ीरा को हजरत अली को ये कहते हुए वापस कर दिया था कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए निकाह का तोहफा है। हजरत अली ने उन 480 दिरहम से न सिर्फ अपने निकाह के लिए सामान खरीदा बल्कि अपने घर के खर्चे के लिए भी पैसे बचाए, और साथ ही साथ उन्हीं पैसों से ही मदीना के लोगों के लिए वलीमे की दावत का भी इंतज़ाम किया था। हजरत अली के निकाह के कुछ दिन बाद ही यानी उसी साल मुसलमानों के इतिहास की पहली जंग भी पेश आई, यानी उसी साल मुसलमानों के इतिहास की पहली जंग हुई थी, जिसे हम और आप जंगे बदर के नाम से भी जानते हैं। ये वही जंग थी कि जिसके बारे में आप अक्सर ये सुनते रहते होंगे कि 313 मुसलमानों ने
1000 से भी ज्यादा लोगों को शिकस्त दिया था। दोस्तों, इस जंग में भी मुसलमानों की जीत में अगर सबसे बड़ा किरदार किसी ने अदा किया था तो वो पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा यानी हजरत हमजा और हजरत अली ने किया था। उसी जंग में ही अबू जहल नाम का मक्का का वो सरदार भी कत्ल हो गया था कि जिसे मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। जंगे बदर के बाद भी मुसलमानों ने लगातार कई जंगें लड़ी और लगभग सभी जंगों में हजरत अली न सिर्फ शामिल हुए बल्कि एक अहम किरदार भी अदा किया था। लेकिन हजरत अली को इतिहास में जिस जंग की वजह से सबसे ज्यादा याद किया जाता है वो जंग है जंगे खैबर, क्योंकि उस जंग में हजरत अली ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था और मुसलमानों को जीत दिला दी थी। दोस्तों, हुआ ये कि अरब के इलाके यानी खैबर में 8 किले मौजूद थे। जब मुसलमानों की फौज ने उस इलाके पर अटैक किया था तो वैसे तो लगभग सभी किले एक एक करके बड़ी आसानी के साथ फतह हो गए थे, लेकिन कामूस नाम का एक वो किला कि जो सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाता था और जिसे जीतना बिल्कुल नामुमकिन समझा जाता था, वो फतह न हो सका था। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी मुसलमानों की फ़ौज कुछ न कर सकी थी। पहले दिन उस किले पर हमला करने के लिए पैगंबर इस्लाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को फ़ौज के साथ भेजा था, लेकिन यह किला फतह न हो सका था। दूसरे दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी एक बड़ी फौज के साथ उस किले पर ज़बरदस्त हमला किया था, लेकिन वो भी इस किले को जीतने में कामयाब ना हो सके थे, जिसकी वजह से अब मुस्लिम फौज की हिम्मत टूटती जा रही थी। लेकिन फिर अचानक से पैगंबर इस्लाम ने अपनी पूरी फौज को जमा किया और फिर उनसे खिताब करके अपने लोगों से कहा कि कल मैं अपनी फौज का झंडा एक ऐसे इंसान के हाथ में दूंगा कि जिसके हाथ पर खैबर का किला फतह हो जाएगा। अल्लाह और उसका रसूल उससे प्यार करता होगा और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता होगा। ये सुनकर सारे मुसलमान खुश हो गए और ख्वाहिश करने लगे कि काश कल ये फौज का झंडा हमें मिल जाए। लेकिन अगले दिन जब सुबह हुई तो पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि हजरत अली किधर हैं। ये सुनकर सब लोगों ने बताया कि वो इस वक्त हाजिर नहीं हैं क्योंकि उनकी आंखें दुख रही हैं। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं नहीं, हजरत अली को ही बुलाया जाए। हजरत अली को उनके सामने पेश किया गया। प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली की आंखों पर अपना लुआब दहन लगाया और उसके बाद फौज का झंडा हजरत अली के हाथ में दिया और यकीनन बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा पैगंबर इस्लाम ने कहा था। हजरत अली ने न सिर्फ कुछ वक्त के अंदर ही उस ताकतवर किले को फतह कर लिया बल्कि किले के अंदर मौजूद मरहब नाम के उस पहलवान को भी हरा दिया था कि जिसके बारे में पूरे अरब में ये मशहूर था कि वो 1000 लोगों के लिए अकेला ही काफ़ी है। यही वजह थी कि कोई भी इंसान उससे लड़ने से पहले ही हार मान लिया करता था, लेकिन हजरत अली ने उस पहलवान को भी हरा दिया था। साथ ही साथ हजरत अली ने उस जंग में खैबर किले के उस दरवाजे को भी अकेले उखाड़ फेंका था कि जिस दरवाजे को 20 लोग मिलकर तो सिर्फ खोला करते थे। ये जंग जीतने के बाद भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर में रहने वाले यहूदियों को खैबर में ही रहने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन हाँ, ये शर्त भी रखी थी कि अगर दोबारा उन लोगों ने मदीना पर हमला करने का प्लान बनाया तो उन्हें खैबर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, मुसलमानों के खैबर पर हमला करने की वजह भी यही थी क्योंकि खैबर में रहने वाले यहूदी दूसरे कबीलों के साथ मिलकर मदीना पर चढ़ाई करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन मुसलमानों ने पहले ही उन पर हमला कर दिया था। 11वीं हिजरी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहरी तौर पर इस दुनिया को अलविदा कहा तो हजरत अली बहुत परेशान हुए क्योंकि ये हजरत अली की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। इतिहासकारों का मानना है कि हजरत अली ने ही पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया था। न सिर्फ गुस्ल बल्कि कब्र मुबारक में भी हजरत अली ने ही उतारा था। दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत अली की ज़िंदगी के सबसे अहम पहलू के बारे में यानी हजरत अली की खिलाफत के बारे में। वैसे तो हजरत अली की खिलाफत लगभग 4 से 5 साल तक ही रही थी, लेकिन यह पूरा का पूरा दौर इतनी मुश्किलों और कठिनाइयों से भरा हुआ था कि अगर हजरत अली की जगह कोई दूसरा इंसान होता तो शायद काबू नहीं कर पाता।
क्योंकि दोस्तों हजरत अली के दौर में मुसलमानों के दुश्मनों ने मुसलमानों से लड़ने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला था, और वो तरीका ये था कि वो मुसलमानों से खुले आम लड़ने के बजाय खुद मुसलमान बनकर मुसलमानों की फौज में घुस जाया करते थे और अंदरूनी तौर पर मुसलमानों की फौज को खोखला करते थे। और इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से हजरत अली के दौर में ही मुस्लिम हिस्ट्री का पहला सिविल वॉर हुआ था, यानी मुस्लिम इतिहाद का पहला गृह युद्ध हुआ था। मुसलमानों की तलवार खुद मुसलमानों पर उठ गई थी, और ये सिर्फ और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि दो बार हुआ था, जिसके नतीजे में हजारों मुसलमानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और ये सब कुछ उन लोगों की वजह से हुआ था कि जो अंदरूनी तौर पर मुसलमान नहीं थे, लेकिन मुसलमान बनकर मुसलमानों की फौज में बगावतें करवाया करते थे। तीसरे खलीफा यानी हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की वजह से शुरू होने वाले इस सिविल वॉर को वैसे तो सुलह के जरिए से ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन हिस्टोरिकली कहीं ना कहीं इन बैटल्स में हजरत अली का पल्ला भारी था। लेकिन उसके बावजूद भी हजरत अली ने पहले ही ये ऐलान करवा दिया था कि मेरी फौज का कोई भी इंसान दूसरी फौज के माल पर हाथ नहीं लगाएगा, जैसा कि पहले आम तौर पर जंगों का उसूल हुआ करता था। साथ ही साथ हजरत अली ने अपने सिपाहियों को ये हुक्म भी दिया था कि तुम लोग उस इंसान पर तलवार नहीं उठाओगे कि जो अपनी तलवार को नीचे कर लेगा, यानी जो लड़ने से इनकार करेगा। सिविल वॉर ख़त्म हो जाने के बाद भी हजरत अली को अपनी खिलाफत के दौर में चैन की सांस लेना नसीब नहीं हुआ था, और खारजियों की तरफ से साजिशें लगातार बढ़ती ही जा रही थी। उन साजिशों की आग इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि आखिरकार एक दिन जब हजरत अली फजर की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम नाम के एक खारजी ने हजरत अली के ऊपर हमला कर दिया। यह हमला एक ऐसी तलवार के जरिए से किया गया था कि जो जहर से सनी हुई थी। हमला करने वाले इंसान यानी अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, और हजरत अली ने फौरन अपने बेटे यानी हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन को बुलाया, और उन दोनों को ये नसीहत की कि अगर मैं इस जख्म की वजह से शहीद हो जाऊं तो तुम लोग भी मेरे कातिल को कत्ल कर देना, क्योंकि हमारी शरीयत का यही हुक्म है। लेकिन अगर मैं इस जख्म से बच गया तो फिर मेरी मर्जी है, मैं चाहूं तो उसे सजा दूं या फिर माफ़ कर दूं। दोस्तों उसी दिन हजरत अली के साथ साथ हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अम्र इब्न आस को भी शहीद करने का प्लान बनाया गया था, लेकिन खुशकिस्मती से वो दोनों लोग बच गए थे, और हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस जख्म की वजह से शहीद हो गए थे। जिस वक्त हजरत अली की शहादत हुई उस वक्त उनकी उम्र लगभग 63 साल थी, और ये महीना रमज़ान का महीना था। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें।